वेलकम टू विद और आज का हमारा टॉपिक है आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और ये मॉडर्न ड्रामा का चैप्टर नंबर सिक्स है जिसमें कि हम इसकी समरी देखेंगे करेक्टर एनालिसिस को करेंगे और उसके बाद हम इसके थीम्स को डिस्कस करेंगे तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से तो आर्म्स एंड द मैन जो है इसका जो टाइटल है ये लिया गया था वर्जिल्स की एपिक पोएम से और ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसके तीन एक्ट हैं और ये लिखा था इन 1894 में और आयरिश ऑथर थे, 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 थे और इन्होंने पचास से ज्यादा प्लेज लिखे अपनी लाइफ में और इसके आर्टिकल्स, और भी ये उस एज के नाइनटीन के काफी ज्यादा पॉपुलर और वेल रिस्पेक्टेड प्ले राइट थे और इन्होंने लिटरेचर में नोबल प्राइज भी हासिल किया 1925 में आर्मस एंड द मैन की जो सेटिंग है वो बलजेडिया की है और इसमें एक पेटकॉफ Uh, की फैमिली के बारे में डिस्कस किया गया है इनकी एक बेटी के बारे में डिस्कस किया गया है और ये एक स्टाइल रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें की वॉर पे स्टाइल रोमांटिक कॉमेडी की गई है ये इस मुहिम में एक सोल्जर सर्बियन आर्मी की तरफ से वो जंग लड़ रहा होता है और वो जो है इनकी बेटी के रूम में आ जाता है और उसके बाद फिर वो उनकी बेटी जो है उसको बचाती है और इनकी जो बेटी है उसका एक इसमें फ्यनसे भी है जिसका नाम है सर्जियस बाकी हम लोग मजीद आगे जानते हैं कि क्या होता है स्टोरी में सबसे पहले हम इसका करेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं ताकि स्टोरी समझने में आसानी हो जाए तो सबसे पहले हमारा जो मेन करेक्टर है वो है राना पेटकोफ ये इस प्ले का मेन करेक्टर है ये रोमांटिक आइडियज रखने वाली लड़की है लव के बारे में भी और वॉर के बारे में भी ये अपने फैंसे को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है सर्जियस को जो कि रिसेंटली उसको वॉर में कामयाबी मिली होती है और वो उस वॉर का हीरो होता है तो उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करती है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफें करती है उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करती है लेकिन ये आगे जाके पता चलेगा कि वो कितनी मोहब्बत करती है या जो सर्जियस है वो उससे कितनी मोहब्बत करता है बट चलिए फिलहाल इसी को देखते हैं उसके बाद स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो उसको पता चलता है कि इसके कमरे में एक सोल्जर घुस आया है और वो उसकी बाद में हेल्प करने की डिसीजन लेती है उसकी हेल्प करती है वो हालांकि पहले जो है वो अपने फ्योन्सी की बहुत तरीफें तारीफें करी होती है कि वो वार में किस तरह से जीता उसकी जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट करी होती है उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट करेक्टर है वो है कैप्टन ब्लॉन्चली और ये जो कैप्टन ब्लॉन्चली है ये स्टोरी को आगे लेके बढ़ते हैं ठीक है और ये रायना से मोहब्बत करते हैं और ये वही करेक्टर है जो की रायना के, के कमरे में जो एक सोल्जर आ जाता है ना ये वही है ठीक है और लेकिन उनको ये लगता है कि हम दोनों जो है वो एक नहीं हो सकते तो इसे वो अपनी फीलिंग्स फीलिंग रायना के सामने नहीं करता और ये जो कैप्टन ब्लॉन्चली है ये आ, एक इनको चॉकलेट क्रीम सोल्जर भी बोला जाता है क्यों क्योंकि क्योंकि ये वॉर में बारूद की बजाय चॉकलेट साथ लेके जाता था जो कि एक फनी चीज हमें देखने को मिलती है कि उसकी जो गन थी उसमें बुलेट्स भी नहीं थी गोलियां नहीं थी उसमें उसके बाद सर्जियस है ये सर्जियस जो है ये शुरू शुरू में जो कहानी शुरू होती है तो हम लोगों को ऐसा हीरो दिखाया जाता है कि उसने वॉर में कामयाबी हासिल की है और वो इस वॉर का हीरो है बट वो इतना ग्रेट होता नहीं है जितना के शुरू में हमें देखने को मिलता है राइना का फ्यंसी भी है जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो हमें इसकी पर्सनालिटी के मजीद तंग भी देखने को मिलते हैं और जिसमें हमें ये पता चलता है कि राइना से मोहब्बत नहीं करता बल्कि वो उनकी एक मेड उसमें इंटरेस्टेड है जिसका नाम होता है लूका वो उसमें इंटरेस्टेड होता है तो एट द एंड जो है वो उससे शादी भी कर लेता है उसके बाद हमारे पास है कैथरीन कैथरीन ये जो है ये की मदर है जो कि बहुत एक फैंसी किस्म की लेडी हैं बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती हैं और बिल्कुल एक्ट भी बिल्कुल वो एक फैंसी लेडी की तरह ही करती हैं और ये हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचती रहती हैं और जब उनको शुरू में कि और सर्जियस की शादी की बात चल रही होती है तो उसके लिए बहुत खुश होती है लेकिन जब सर्जीस के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चलता है तो उसके बाद उससे पीछे हट जाती है और उसके बाद उसकी कैप्टन ब्लॉन्चली के साथ उसकी इंगेजमेंट कर देती है क्यों क्योंकि वो भी काफी ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं उनके अपने होटल्स होते हैं जो कि वो रन कर रहे होते हैं तो इसलिए फिर इनको कोई एराज़ नहीं होता कि वो उससे शादी करे उसके बाद मेजर पेटकॉफ है ये मेजर हैं ठीक है मिलिट्री के और ये रायना के फादर हैं और ये कोई इतने खास स्मार्ट हमें नहीं दिखाई दिए और कैपेबल भी इतने नहीं है ये पेटकॉफ फैमिली के हेड भी थे और इनका जो ज्यादा कंसर्न होता था वो ये अपने सोशल स्टेटस को लेके कि उसको उन्होंने हाई रखना है बल्जेरिया में। उसके बाद ये जो है ये है थे तो ये सोल्जर ही लेकिन इतने एम्बिशियस जो है वो ये नहीं दिखाए गए एट द एंड ऑफ द प्ले कैथरीन और इनको कोई एतराज नहीं होता कि राइना जो है वो ब्रंच से शादी कर ले क्योंकि वो एक रिच मैन होता है उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट करेक्टर है वो है लूका का ये एक यंग और अट्रैक्टिव फीमेल सर्वेंट है पेटकॉफ हाउस होल्ड में और ये बहुत खूबसूरत होती है और इसका जो एम्बियस है ना ये बहुत एम्बिशियस होती है इसको लेके कि ये एज अ सर्वेंट पैदा तो हुई है लेकिन ये एज ए सर्वेंट मरेगी नहीं इसको वो कोई हाई स्टेटस चाहिए होता है और इसकी ख्वाहिश होती है कि इसके किसी ऐसे मर्द के साथ शादी हो जाए जो कि हाई स्टेटस रखा हो और ये भी आ, मतलब एक समझे प्रिंसेस बनना चाह रही होती है कि मैं एक अच्छे से खानदान में मेरी शादी हो और आ, मेरे जो ये सर्वेंट वाली और मेड वाली जो जिंदगी गुजार रही है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तो इसलिए इसके लिए कोशिश भी करती है और जब इसको पता चलता है रायना के दरमियान सर्जियस के दरमिया जो तल्लत हैं बच्चे नहीं है तो फिर सर्जियस जो है वो इससे फायदा उठाने की कोशिश भी करता है और वो इसको फ़ायदा उठाने देती है और फिर एट द एंड ये सर्जियस से शादी भी कर लेती है उसके बाद निकोला निकोला जो है ये भी पेटकॉफ हाउस का एक मेल सर्वेंट है और ये और लुका जो है ये लुका जो है वो इसकी फैंसी होती है लेकिन वो उसको पसंद नहीं करती क्यों क्योंकि वो भी एक सर्वेंट होता है और वो हमेशा उसके बोलते हैं तुम्हें अमीर होने का कोई शौक नहीं और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल जिंदगी नहीं गुजारूंगी क्योंकि तुम एक एम्बिशियस किस्म के इंसान नहीं हो तुम सर्वेंट हो तुम सर्वेंट ही मरोगे तो क्योंकि तुम एक रिच इंसान नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी और जब लुका की और सर्जियस की शादी हो जाती है या फिर इंगेजमेंट हो जाती है तो तब उसको काफी सैड होता है क्योंकि अब स्टोरी में हर कोई खुश तो नहीं हो सकता बट फिर भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेता उसके बाद हमारे पास जो लास्ट करेक्टर है वो है बलन्चलीज फ्रेंड सर्बियन सोल्जर है जो कि बलन्चली को जानता होता है और ये पेटकोफ और सर्जियस से मिलता है और इनको अपनी एक दोस्त की स्टोरी सुनाता है जो कि एक एक बलजेरियन हाउस में जो था वो छुप गया था और उसके बाद दो खात ने दो लेडीज ने उनकी उसकी मदद की थी वहाँ से निकल जाने के लिए लेकिन पेटकॉफ और सर्जियस को ये बिल्कुल नहीं पता होता कि जो स्टोरी है ये उनके अपने घर की है और रायना और कैथरीन ने उसकी मदद की होती है वहाँ से भागने की उसके बाद हम इसके समरी और क्रिटिकल एनालिसिस को देख लेते हैं ये स्टोरी जो है, ये होती है एटीन एटी फाइव में और उस वक्त जो है वो सरबू बल्टेरियन वॉर चल रही होती है और ये स्टोरी जो है ना ये स्टार्ट होती है कि राइना जो है वो अपनी खिड़की में खड़ी होकर सितारों को देख रही होती है क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत रोमांटिक किस्म की लड़की होती है नेचर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करी होती है तो वो उसकी जो माँ है वो कैथरीन वो कमरे में दाखिल होती है और जो रैना है वो उसे बातें करना शुरू करती है अपने मासी के देखें तारे कितने प्यारे लग रहे हैं स्टार्स आर सो ब्यूटीफुल ये वगैरह वगैरह तो वो जो है फिर कैथरीन जो है वो उसको कहती है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है एक खुशखबरी है एक हैप्पी न्यूज आई है कि हमने जो है वो वॉर जीत ली है और इस वॉर का जो हीरो है वो तुम्हारा फ्यौनसी सर्जियस है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वह वो, वो कहती है कि मुझे इसके बारे में मजीद बताएं और उसकी माँ जो है उसके बारे में मजदीद बताती है और उसके बाद रायना और कैथरीन जो है वो आपस में बातें करी होती है कि लुका जो है उनकी सर्वेंट फीमेल में जो है वो बागी बागी आती है और आके कहती है कि खिड़कियां दरवाजे जो है वो कमरे की अपने घर के साहब की ना बंद कर लें क्योंकि खदशा है कि गोलियाँ वगैरह चल सकती हैं और ये ना हो तो नुकसान हो जाए तो जल्दी से खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर ले जाए तो वो जल्दी जल्दी से राना के दवा जो रूम है उसकी खिड़किया वगैरह को बंद करना शुरू कर देती है और रैना जो है उसको टोक देती है कि लुका तुम जाओ मैं खुद इसको बंद कर लूँगी उसके बाद कैथरीन और लुका जो है वो उसके रूम से चली जाती हैं और वो वह दरवाजे बंद नहीं करती अपने रूम की खिड़कियां खुली रहती हैं उसके रूम की उसके बाद वो उसके जो अपने फैंसी है सर्जियस उसके पोर्ट्रेट को पकड़ के उसकी पिक्चर को पकड़ के उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है कि तुम बहुत ग्रेट हो मैं तुम जैसी ब्रेव नहीं बन सकी तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो और तुमने जो वो तुम हीरो हो बहुत उसको आइडलाइज करती है तो उसके बाद फिर वो सो जाती है उसके बाद बहुत ज्यादा बुलेट चलने की आवाज आवाज आती है जिसकी वजह से रायना की आंख जो है वो खुल जाती है है और उसको उसको एक अचानक से उसको लगता है कि कोई बालकनी से उसके रूम में एंटर हुआ है तो वो ना फौरन से उठ जाती है और वो वहाँ पे जो है वो एक उसको सोल्जर दिखाई देता है जो कि एक सर्बियन सोल्जर होता है और अपनी यूनिफॉर्म से वो उसको पहचान सकती थी सर्बियन सोल्जर है और फिर उसके हाथ में एक गन भी होती है तो वो उसको डराता है कि आवाज मत निकाले में तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा अगर तुम कुछ बोला तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा तो वो जो है वो अपने बेड से जो है वो खड़ी हो जाती है मतलब बैठ से उतर जाती है और कहती है कि कौन कह रहा है कि मैं तुमसे डर रही हूँ तो इस तरह से थोड़ी बहुत बातें होती हैं उसके बाद अचानक से जो लूका है वो आती है जोर जोर जो से उसके रूम का जो दरवाजा उसको नौ करती है कि नेबर्स कह रहे हैं कि आपके कमरे में कोई बालकनी से आया है तो हमें जरा आपके कमरे की तलाशी लेने दे आपकी जान को खतरा है वगैरह वगैरह तो फिर उसके बाद जो है उसके बाद रायना जो है वहां पर कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी मैं तुम्हें लोगों से बचा दूंगी क्योंकि सोल्जर है वो उससे पहले जो उसको पता है कि अगर इन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो ये मुझे मार देंगे और वहां से रैना को पता चल जाता है कि डर किस्म का इंसान है जिसको कि वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके बाद आ, उसको छुपा देती है कहीं और फिर आ, लुका जो है वो सोल्जर के साथ अंदर एंटर होती है अपने जो घर के उन सबके साथ अंदर अंदर एंटर होती है और मेरे की तलाशी लेते हैं लेकिन पे उनको कुछ भी नहीं मिलता लुका जब उसे पूछती है कि क्या कोई आया था तो रैना उसको बोलते कि नहीं तो मेरे को पे तो कोई भी नहीं आया था लेकिन जो लुका है वो उस सोल्जर की गन उसके भड़ पड़ा पड़ी जो है वो देख लेती है फिर वहां से उसको शक हो जाता है कि रायना कुछ ना कुछ हमसे छुपा रही है उसके बाद पूरे कमे की तलाशी ले जाती है मगर उनको कोई भी नहीं मिलता फिर वो वापस चले जाते हैं फिर उसके बाद उनके जाने के बाद वो सोल्जर और आई मीन जो कैप्टन और जो है रैना वापस में काफी ज्यादा बातें करते हैं और अब जो कैप्टन है वो उसके बारे अपने बारे में उसको बातें सुनाता है काफी ज्यादा आपस में बातचीत करते हैं उसके कहते हैं मैं जो हूँ वो लड़ाई में वॉर में मैं बारूद ही लेके जाता बल्कि मैं चॉकलेट्स लेके जाता हूँ और मेरी जो गन है उसमें बुलेट्स भी नहीं है तो वो साथ में उसके बताता है कि जब लड़ाई हो रही होती है जंग हो रही होती है तो जंग में दस में से आठ सोल्जर्स को यही पता होता कि वो जंग लड़ क्यों रहे हैं उनको ये नहीं पता होता और यहाँ से रैना को फिर पता चलता है कि ब्रेव होना ही सब कुछ नहीं होता है इन बातों ही बातों में वो दोनों जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं उसके बाद फिर जो राइना है वो कहती है कि अपनी माँ को बुलाती हूँ वो जो है कैथरीन अपनी मम्मी को बुलाती हूँ ताकि वो तुम्हारी हेल्प करे यहाँ से बाहर जाने के लिए तो फिर उसके बाद अपनी माँ को बुलाती है और वो दोनों मिलकर उसको जो उसकी हेल्प करते हैं वहाँ से भगाने में उसके बाद जो सेकंड एक्ट है वो सेम हाउस इन्हीं के पेडकॉफ हाउस के गार्डन में शुरू होता है और ये जो से, ये जो से, सेकंड एक्ट है वो कुछ माह के बाद जो है वॉर के कुछ माह के बाद ये वहां से स्टार्ट हुआ है क्योंकि पहला जो हम लोग ने देखा वो 1885 था उसके बाद अब ये जो है ये 1886 है और यहाँ पे लुका और जो निकोला है उनके इंगेजमेंट के बारे में वैसे उन्होंने बताया है कि उनकी इंगेजमेंट होती है और लुका जो है कहती है कि तुम कभी भी तरक्की नहीं कर सकोगे तुम हमेशा सर्वेंट ही रहोगे और वो उसको बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा मेरी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं और साथ में लुकास को ये भी कहती है कि मेरे पास पेट कॉफ फैमिली के बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं निकोला कहता है कि मेरे पास से तो बहुत ज्यादा है मगर मैं उनको अपने मास्टर्स को कभी भी इन सीक्रेट्स की वजह से ब्लैकमेल नहीं करूँगा उसके बाद जो मेजर पेटकॉफ है हेड ऑफ़ द फैमिली वो वार्ड से वापस आ जाते हैं और जो निकोला है वो कैथरीन को जो है वो उनकी रिपोर्ट करता है कि सर्जियस और पैट कॉफ जो है वो वार्ड से वापस आ चुके हैं उसके बाद जो सर्जियस है वो कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगी मिलिट्री की तरफ से क्योंकि उसने जो भी एक्शन लिया था उस वक्त वार के दौरान उसने अपने ऑन पर लिया था उसने उसको किसी ने भी कमांड नहीं किया था कि तुम ये काम करो जिससे उसको कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगी उसके बाद जो सर्जियस है वो एंटर होता है और

जब वहाँ से राइना और बक्सर चले जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सर्जियस और लुका रह जाते हैं और सर्जियस जो है वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और वहाँ से लुका को इस चीज के बारे में पता चलता है कि जो सर्जियस है और राइना है वो आपस में एक दूसरे के साथ साथ अब ज्यादा फेथफुल नहीं रहे और उसी टाइम में उनके गार्डन में एक आदमी दाखिल होता है जिसका नाम होता है बलंजली और जब दाखिल होता है रायना और कैथरीन को समझ आ जा जाती है कि ये तो वही लड़का है जो कि रैना के रूम में उस टाइम छुपा था कथरीन जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि सर्जियोस और पेटकॉफ को इनके बारे में पता चल जाएगा और ये तो ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि ये वॉर में मिल चुके होंगे एक दूसरे से तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है इसके बारे में कैप्टन बुलंली जो है ये रैना के फादर का कोर्ट वापस करने के लिए आए होते हैं जो कि रैना और कैथरीन ने उसको दिया होता है वहां से भागने के लिए कि खुद को छुपा के यहाँ से निकल जाओ तो वो कोर्ट जो है वो उसको वापस करने के लिए आता है और जब रैना उसको देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करती है और वो ऊंचा सा बोलती है द चॉकलेट क्रीम सोल्जर तो उसके बाद जो पेटकॉफ और सर्जियस जो है वो दाखिल होते हैं और उसके बाद जब बलन्चली से मिलते हैं तो वो काफ़ी ज्यादा खुश होते हैं उसको देख के और क्योंकि वो वॉर में ऑलरेडी उसके साथ मिल चुके होते हैं उसके बाद हमारा फाइनल एक्ट शुरू होता है फाइनल एक्ट जो है इसमें जो सीक्रेट्स हैं वो सबके एक्सपोज हो जाते हैं और जो लुका है वो सर्जियस को बताती है कि जो रायना है वो वलंचली में इंटरेस्टेड है और जब रैना से सर्जियस पूछता है तो वो हाँ मैं ही जवाब देती देते वो कहती है हाँ जब से हमारी पहली मुलाकात हुई थी मैं तब से ही उसके लिए फीलिंग रखती हूँ उसके बाद जो लुका है वो अपने और सर्जियस के बारे में बता देती है कि हम भी एक तो निकोला है वो लुका अपने एंगेजमेंट को तोड़ देता है बुलंचली जिसके फादर जो है वो काफी साल पहले मर चुके होते हैं और वो काफी वेल्थी फैमिली से ताल्लुक रखता है उनके अपने होटल्स होते हैं तो जिसकी वजह से उसके फादर को रैना के फादर को रैना की मदर को कोई इतराज नहीं होता कि वो अगर सर्जीस को छोड़ के अगर बुलंली से शादी करना चाहती है तो वो कर सकती है क्योंकि वो भी एक काफी रिच फैमिली से ताल्लुक रखता है उनके अपने होटल्स हैं और एट द एंड सरजियस की लुका से शादी हो जाती है और की बलंजली से शादी हो जाती है और निकोला जो है वो काफी नाखुश हमें दिखाई देता है उसके बाद हम इनके थीम्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहला थीम है मेंट विद वॉर इस डिस्कस किया जाता है कि किस तरह से वॉर होती है किस तरह से लड़ाईया होती हैं और एट द एंड किस तरह से दोनों पार्टीज जो हैं वो कोई ना कोई माहिदा करके तो अमन की ख्वाहिश करती हैं उसके बाद ये जो टाइटल है ये लिया गया था वर्जल्स की एक एपिक पॉइंट ए नीड से जिसमें कि वॉर के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया था कि लेकिन जो उस इस, इसकी जो क्विडस हैं उसको आयरोनिकली इसमें बत, जो है वो दिखाया गया है कि वॉर जो है वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होती है अभी जो स्टोरी है ये उस सरबो बल्जेरियन वॉर पे लेकिन इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन ये उसी टाइम की बात है कि जो बुलंली है वो एक स्विफ्ट सोल्जर है और जो सर्जियस है वो एक अल्जेरिया का सोल्जर है सर्जियस जो है वो शुरू में हम लोगों को एज ऐ हीरो दिखाया गया है लेकिन इसने वॉर में जो खुद से एक्ट लिया था वो उसने अपने लिए लिया था कि मेरी वाह हो जाए दूसरी तरफ जो जो बल्चली है वो भी अपने बारे में बताता है कि वो एक चॉकलेट सोल्जर है उसके बाद एट द एंड हम लोग को ये बताया जाता है कि किस तरह से एक किस तरह से के जो पेरेंट्स है वो एक एनिमी से उसकी शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं और ये वॉर जो थी वो कितनी पॉइंटलेस थी उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रोमांटिक लव अब इसमें जो करेक्टर्स हैं वो एक हर किसी का एक का चल रहा होता है जो कि उस वक्त जो ट्रेडिशनल रूल्स थे लव के उसके बहुत ज्यादा खिलाफ था अब इसमें जो पहले क्या होता था कि लोग बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करते थे कि पेरेंट्स का जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक वो शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको सोशल स्टेटस की काफी ज्यादा फिक्र होती सोशल स्टेटस और वेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता था अब इस इस प्ले में क्या होता है कि जो करेक्टर्स हैं वो एट द एंड जो है वो शादी उन्होंने की जो कि एक दूसरे के लिए सूटेबल थे दोनों दो पेयर्स बने दोनों जो थे वो एक दूसरे के लिए सूटेबल थे और इसमें हम लोगों को ये देखने को को मिलता है कि उन्होंने अपने नॉर्म्स ब्रेक किया है इसमें पहले जो है रैना को ये लगता है कि वो सरजियत से मोहब्बत करती है और लेकिन बाद में उसको बलंचली से मोहब्बत हो गई और उसको लगा कि जो सरजियत से मोहब्बत थी वो सिर्फ और सिर्फ एक खोखलापन था एक शैलो था और कुछ भी नहीं था और उसकी फैमिली ने भी उसको सपोर्ट किया एट द एंड क्योंकि जो बलंचली था वो एक वेल्दी फैमिली से ताल्लुक रखता था वो एक रिच मैन था और यहाँ पे उन्होंने रूल्स ब्रेक किए अपने नॉर्म्स को ब्रेक किया उन्होंने एक एनिमी से अपनी बेटी की शादी कर दी उसके बाद जो सेकंड वाला पेयर हमें मिलता है वही सर्जियस ने एक मेड से शादी कर ली लूका से शादी कर ली हालांकि वो उसके स्टेटस से ताल्लुक नहीं रखती थी ठीक है क्योंकि सेम स्टेटस वाले लोग आपस में पहले शादी किया करते थे गरीब लोगों से कोई भी शादी नहीं करता था और उसने एक सर्वेंट से शादी कर ली सर्जियस ने तो यहाँ पर भी उन्होंने अपनी नॉर्म्स को तोड़ा उसके बाद हमारे पास है, है, है।, है, है वो एक सर्वेंट है लेकिन वो सर्वेंट बनना नहीं चाहती है उसकी शादी हो और जो निकोला है वो एज अ सर्वेंट थी उसको काफी खुश है उसको अपने स्टेटस से कोई मसला नहीं है उसके बाद जो बलंजली है वो दिखने में बहुत ज्यादा पहले सीन में मिडिल क्लास लग रहा था एक मिडिल क्लास फैमिली से लेकिन बाद में बहुत ज्यादा वेल्दी निकला जीएस के मुकाबले में काफी ज्यादा वेल्दी था उसके बाद जो पैटकॉफ और कैथरीन थे वो अपनी फैमिली की पोजीशन को जो था वो स्टेबल करने के लिए सज्जेस के साथ उसके शादी करने के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि वो बल्जेरिया का सबसे ब्रेव सोल्जर माना जाता था जिसकी वजह से उनकी फैमिली की जो पोजीशन थी वो काफ़ी ज्यादा स्टेबल हो सकती थी लेकिन बाद में उन्होंने वलंचली के साथ उसकी शादी कर दी क्योंकि वो उससे ज्यादा अमीर था नाइनटीन सेंचुरी में जब यह स्टोरी की जो सेटिंग है उसमें जो रोमांटिक लव है उसको कुछ कुछ भी समझाने जाता था ठीक है बल्कि ये समझा जाता था कि जो लोग हैं जो नोबल फैमिलीज हैं वो एक दूसरे के साथ इसलिए मिले जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो स्टेबल हो सके मैरिज के थ्रू मोहब्बत शब्बत कुछ नहीं होता था पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लोग जो थे वो शादी किया करते थे तो ये थी आज के वीडियो आज के लिए बस इतना ही तो इन मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक अपना ख्याल अल्लाह हाफिज़